वेलकम टू पेप्सी पीसीबी क्रिकेट स्टार्स, आई एम अहमद सफदर। और आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, आई डोंट थिंक ही नीड्स एन इंट्रोडक्शन। बहुत नोन फेस हैं, बड़ी पर्सनालिटी हैं हमारे साथ। एनसीए के डायरेक्टर भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं। एंड आई थिंक हमारी जितनी यूथ है उनको मॉरलाइज, उनको मॉरल देने में, आगे आने में, उनकी बच्चों के आगे आने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंतखाब आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा इंतखाब साहब, मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन से कि मैंने नोटिस किया कि लाहौर में आके स्पेशली जितने भी आपके ऑफिशियल्स हैं, आप लोग ऑन ग्राउंड आ रहे हैं। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जो इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन गैप होना नहीं चाहिए। दरअसल जो भी आप प्रोजेक्ट करते हो तो उसके लिए है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि प्लानिंग करते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, फिर उनको हकीकत सामने लाते हैं, तो हमारा ग्राउंड पे आना या लड़कों से डायरेक्ट इंटरेक्शन है बहुत ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ, और मैं इस प्रोग्राम के हवाले से पेप्सी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पेप्सी और पीसीबी मिलके एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं, स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे। exactly. यही है कि जो अंडर 16 का है, ये भी कुछ 5 महीने की एक्टिविटी होगी। रमज़ान से पहले हमने ये सिलेक्शन का प्रोसेस जो हमने इसको कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद ये टीमें सेलेक्ट हो जाएंगी, फिर ईद के बाद इंशाल्लाह टूर्नामेंट शुरू होगा। उसमें से फिर हम 24 लड़के सेलेक्ट करेंगे और वो जो क्रीम होगी और ये 5 महीने की जो मेहनत होगी, इनको फिर हम NCA में लेके आएंगे। इंतखाब साहब, ये ग्रास रूट लेवल क्या होता है? अंडर 16, इज दिस अ गुड एज कि बच्चा पॉलिशिंग की तरफ आ जाए, या अभी भी उसको डेवलप होने में टाइम होता है? इस यंग एज से सही टेक्निक का पता चल जाए तो बहुत जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं कि ग्रिप बल्ले की किस तरह की होनी चाहिए, स्टांस कैसा, बेसिक्स पे काम करना, बेसिक्स पे काम, अगर वो बेसिक्स पता लग जाती है, वार्म अप किस तरह होना चाहिए, यू नो स्ट्रेचिंग किस तरह होनी चाहिए, आपको रनिंग किस तरह होनी चाहिए, आपकी खुराक किस तरह की होनी चाहिए, तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। पेप्सी एंड पीसीबी, पेप्सी पीसीबी क्रिकेट स्टार्स, हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प द यूथ्स एंड पाकिस्तान नेशनल टीम को कितना हेल्प कर रहा है? देखिए, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये जो प्रोग्राम पेप्सी के साथ हम मिलके कर रहे हैं, इसका रिस्पांस कितना अच्छा है। पेरेंट्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पेरेंट्स के साथ साथ लड़का खुद भी बड़े शौक से ग्राउंड में आता है और पेप्सी और पीसीबी मिलके वी कैन गो लॉन्ग वे। और हम चाहते हैं कि ये जो पार्टनरशिप हमारी हुई है पेप्सी से, ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, कि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा है, बच्चों को जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनके लिए इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ये मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ कि द लाइफ डज नॉट गारंटी यू सक्सेस बट प्रोमिस यू अपॉर्चुनिटीज। सो दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन यंगस्टर्स के लिए है कि इनको मौका मिला और इसका फ़ायदा उठाए। फाइनल क्वेश्चन मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी आवाम देख रही है इनको आप क्या कहेंगे, जितने यंगस्टर्स देख रहे हैं, बीइंग ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री एंड प्रेजेंट, ऑब्वियसली क्या कहना चाहेंगे आप इनको, बच्चों को क्या कहेंगे? मैं इनको यही कहूँगा कि जिस मकसद के लिए ग्राउंड पर आए हैं, हार्ड वर्क करें, बी सिंसियर विद योर ओन सेल्फ एंड विद देयर पेरेंट्स। नेचुरली पेरेंट्स जो है, दे वॉन्ट टू सी देयर चिल्ड्रन कमिंग अप एंड प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। सो इसके लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड। एक तालीम को आप बिल्कुल हासिल करके बिल्कुल ना छोड़ें, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना लाइफ का एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि जिसमें आप पढ़ भी सकते हो, आप खेल भी सकते हो, यू कैन अचीव अ लॉट। एग्जैक्टली। तो ये इनको ये कि नथिंग कम्स ईजी, जैसे कि बार बार ये मैं लफ्ज़ कर रहा हूँ कि मेहनत की बहुत ज़रूरत है और इंटरेक्शन बड़ी ज़रूरी है। ठीक है सर। सर, प्लेजर मीटिंग यू एंड अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।